नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी रहंगडाले आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी मोहल्ला में। आज एमपीजी के डिस्ट्रिक्ट सीरीज के 23वें एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ सीधी जिले की कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों, उससे पहले आते हैं पिछले एपिसोड के सवाल पर। पिछले एपिसोड में दोस्तों मैंने आपसे पूछा था भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। दोस्तों मैंने यह क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि काफी लोगों को डाउट रहता है कि NH7 लॉन्गेस्ट है या NH44। अब मैं आप लोगों के यह डाउट क्लियर करूंगी। यदि आज के 2-3 साल पहले की बात करते तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7 था, बट अब NH44 है। कैसे जानते हैं आगे? दोस्तों NH7 स्टार्ट होता है वाराणसी से और जाता है कन्याकुमारी तक, जिसमें झांसी से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NH44 का पार्ट है। NH44 जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ NHDP कहा जाता है। NHDP का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिससे पहले अलग अलग नंबर के नेशनल हाईवे का कुछ या पूरा हिस्सा मिलाकर बनाया गया, जैसे NH1 श्रीनगर का, NH1 पंजाब और हरियाणा से दिल्ली तक, NH2 दिल्ली से आगरा, NH3 दिल्ली से ग्वालियर तक, NH75 और NH26 झांसी तक, और झांसी से कन्याकुमारी तक का हिस्सा दोस्तों NH7 का। ये पूरे नेशनल हाईवे मिलाकर बना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NH44। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है NH44, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सीधी जिले की कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियों पर। सीधी जिला रीवा संभाग की 6 जिलों में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्से में स्थित है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। सीधी जिले में कोयले के भंडार स्थित है और यहाँ पर चावल की खेती अधिक की जाती है। सीधी जिले के घोघरा ग्राम में चांदी देवी का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर लगता है। सीधी में नॉर्दर्न गोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 466 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा इत्यादि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। सीधी में कोर मंडल खनिज पाया जाता है। सिंगरौली कोयला खान इंडस्ट्रीज, NTPC, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन आदि सीधी जिले के अंतर्गत आते हैं। डुबरी और बगदरा में कोयला खदान स्थित है। सीधी जिले में कुसमी तहसील के अंतर्गत वना बरचर बांध जिले का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। सोन, कबत, बनस सीधी जिले की कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों ये थी सीधी जिले की कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियां। अब आते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। आज का सवाल है, ऐसा कौन सा स्पोर्ट वर्ल्ड कप है और टूर्नामेंट है जिसे आज तक सिर्फ इंडिया ने ही जीता है, इंडिया ने ही जीत हासिल की है। उम्मीद है दोस्तों आप सब इसका सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नए जिले के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।